तो मूवी के स्टार्टिंग में हम 8 साल के एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ रहता था। उसे कोई चीज परेशान करती थी और वो हमेशा सहमा हुआ रहता था। वो 8 साल का था। उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेके काफी परेशान थे। तो वो एक दिन अपने घर में कुछ एक्सोसिस्ट को बुलाते हैं, जिनमें एक कपल होता है और चर्च के फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी एक बहन भी होती है और इस वक्त इनके घर उसकी बहन का दोस्त भी था। उसकी डेविड के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो वो डेविड को सुलाने ले जाता है। अब डेविड की बहन का दोस्त उसे लेटा कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेविड को फील होता है कि जैसे कोई उसका रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे वहाँ पर कई ज्यादा हाथ भी नजर आते हैं और पार्ट टप में खून आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के सारे फैमिली मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड जो कि 8 साल का बच्चा था काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपने ही डैड की टांग पर स्टैब कर देता है। अब मेल एक्सोर्सिस्ट उसे उठाकर नीचे लेकर आ रहा होता है, लेकिन अपने नाखूनों से वो दीवार पर स्क्रैच करता जा रहा था, यानी ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। उसे लाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और फादर उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान डेविड के मुंह से चाक आने लगती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होकर अपने आप को छुड़ा लेता है। इसी के साथ वहाँ पे बहुत बुरा तूफान आने लगता है, घर की चीजें टूटने लगती है और फादर भी गिर जाते हैं। दोनों एक्सोसिस्ट ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। वो खुद की बॉडी को काफी अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो कि देखने में बहुत खौफनाक है। उसको ऐसी हालत में देख के उसकी बहन का दोस्त उसके पास जाता है और उसे पकड़ के कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। यानी वो वाकई डेविड से बहुत प्यार करता था। और उसके कहते साथ ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती है और जो भी डीमन उसके अंदर था या कोई स्पिरिट, वो डेविड की बहन के दोस्त के अंदर आ जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ जब डेविड पोसेस था तो उसने मेल एक्सोसिस्ट पर भी बहुत बुरा हमला किया था और अब उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स उसकी वाइफ को बताते हैं कि इसे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है, इसी चीज ने इसे पूरी तरह से डरा दिया है। वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड की बहन के दोस्त को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अपनी दोस्त के साथ काम करवा रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि किसी दीवार में एक होल हुआ हुआ है। वो उसके अंदर देखता है तो उसे कोई घोस्ट नजर आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। लेकिन असल में ये उसे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वाकई वो सोल डेविड की बॉडी छोड़कर इसके अंदर आ चुकी थी और अब वो जल्द ही इसकी बॉडी को बिगाड़ने वाली थी, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने वाली थी। वो फौरन वहां से बाहर निकल आता है और अब वो दरख्त पर बैठकर चेनसो की मदद से दरख्त को काट रहा होता है, लेकिन चेनसो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी उसे अपने साथ खिड़की पर कोई घोस्ट दिखाई देता है, जो कि उसे ही देख रहा था। और तभी चेनसो स्टार्ट हो जाती है, उससे उसकी बॉडी बिगड़ सकती थी, लेकिन इससे पहले ही वो चेनसो नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। वो काफी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। उधर हॉस्पिटल में भी जब मेल एक्सोसिस्ट को होश आती है तो वो भी यही कहता है कि डेविड की बॉडी को वो सोल छोड़कर अब उस लड़के की बॉडी में आ चुकी है, जो कि डेविड की बहन का दोस्त है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि फौरन उनको कॉल करो और उन्हें बताओ कि सोल बहुत खतरनाक है और इससे बच कर रहे हैं। उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वो कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूजिक लगा के डांस कर रही होती है ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। इसी दौरान डेविड की बहन के दोस्त की तबीयत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ खड़ा कैसे है। वो काफी वीक फील करने लगता है। जब फीमेल एक्सोसिस्ट की कॉल कोई नहीं उठाता तो वो परेशान हो जाती है। वो फौरन से पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि आप फौरन से डेविड के घर चले जाएं। अब डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो एक घोस्ट में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफी अजीब हो जाती है और वो उसको डराने लगता है। वो काफी चिल्लाती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी और अपने दोस्त को लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है। अब डेविड की बहन का दोस्त निकलते निकलते अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिस मैन उसे देख लेता है। उस लड़की की आंखें काफी चेंज थी क्योंकि उसमें सोल जो थी। वो पुलिस से बात नहीं करता तो पुलिस मैन उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है तो मेरे साथ आओ। अब हम देखते हैं कि वो मेल और फीमेल दोनों एक्सोसिस्ट के साथ बैठा होता है। वो उससे कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में सोल है या नहीं, तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो इसका ये मतलब है कि वो सोल अभी तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो तुम्हें वो बाइबल नहीं पढ़ने देगी। अब जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई सोल नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ पा रहा था और इसने जिस आदमी को मारा था इस बार
बारे में केस भी बन चुका था और इसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर इस लड़के की लॉयर आ जाती है। वो दोनों एक्सोसिस्ट उस लॉयर से कहते हैं कि इस लड़के ने नहीं मारा, उसमें कोई सोल है, कोई गोस्ट है जिसने उस आदमी को मार दिया। और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि उस आदमी में भी कोई गोस्ट आ गया था। तो लॉयर कहती है कि तुम लोग प्लीज असली दुनिया में आ जाओ, कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा, वो तो यही कहेंगे कि अपने सर से लोग क्राइम टाल रहे हैं। वो लॉयर किसी भी सूरत नहीं मान रही होती कि ये किसी डीमन या सोल का काम है। तो वो मेल एक्सोसिस्ट उससे कहता है कि ठीक है, रात को आप घर आइएगा, मैं आपको खुद दिखाऊंगा वो डीमन। अगर आपको वो डीमन ना दिखाई दिया तो बेशक आप उस लड़के को अरेस्ट कर लीजिएगा। तो लॉयर कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। नेक्स्ट सीन हम कोर्ट का देखते हैं, क्योंकि अब उस लॉयर को भी यकीन हो चुका था कि ये काम डीमन का है। वो जज को बोलती है कि ये मर्डर डीमन ने किया है, लेकिन जज उसके किसी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये फजूल बहाना है और उसे सजाए कैद होगी, यानी लाइफ टाइम के लिए वो जेल में रहेगा। लेकिन वो एक्सोसिस्ट कपल कहता है कि हम उस लड़के को इनोसेंट ठहरा के रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो मर्डर नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई सोल है। अब ये इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। वो दोनों उस दिन के रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब ये केस हुआ और ये सब एक साथ डांस कर रहे थे। उसके बाद ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर डेविड पहली बार डरा था और उसे कोई गोस्ट नजर आया। इस रूम में एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था और जंप्स लगा रहा था तो अचानक से उस वाटर बेड के अंदर से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। वो कोई गोस्ट था। उस रूम का फ्लोर भी खराब हुआ हुआ था। तो वो एक्सोसिस्ट डेविड की मदर को बताते हैं कि किसी गोस्ट का ही काम है। वो एक्सोसिस्ट कपल और डेविड की बहन उस रूम के नीचे जाते हैं, यानी उस रूम के नीचे जो जगह थी। जब डेविड की बहन उसके अंदर जाती है तो देखती है वहाँ बहुत सारे रैट्स हैं। वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्कल भी है। वो उसकी पिक्चर लेती है और फिर आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा स्कल कहीं नहीं देखा। चर्च के फादर भी कहते हैं कि मैंने भी आज तक ऐसा स्कल नहीं देखा, तुम लोग ये बात किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे सीनियर हो। अब वो एक्सोसिस्ट कपल जब दूसरे फादर के पास जाता है तो वो फादर इनसे कहते हैं कि ऐसा स्कल मैं पहले कहीं देख चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो उनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। और दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिस पर उसने ब्लैक कैंडल जलाई थी और उस लड़के की भी पिक्चर उसके पास थी, यानी डेविड की बहन के दोस्त की। वो अजीबोगरीब लेडी कोई मैजिक करती थी जिससे इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगती थी और वो डर जाता था। उसे ऐसे लगता था जैसे उसके अलावा भी कोई है उसके पास, यानी जैसे कोई डीमन या कोई सोल वगैरह। फिर मेल एक्सोसिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देख रखा है। वो कहता है कि पहले भी कोई ऐसा केस था जिसमें मैंने ये स्कल देखा। तो फीमेल एक्सोसिस्ट कहती है कि इस बार केस में डीमंस का हाथ है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे साथ मजाक नहीं करो। तो वो दोनों एक्सोसिस्ट वहां से चले जाते हैं। फीमेल एक्सोसिस्ट अपने साथ वो नाइफ भी ले आई थी जिससे उस दिन मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूं उसमें दो लड़कियां थी जो कि मारी गई, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिली। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फीमेल एक्सोसिस्ट पास्ट में चली जाती है। वो दोनों फ्रेंड्स थीं और उनमें से एक फ्रेंड ने ही अपनी दूसरी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था फीमेल एक्सोसिस्ट बिल्कुल उसकी तरह एक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारी चीजों को रिवाइज कर रही थी। फीमेल एक्सोसिस्ट भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुकी थी और नीचे पानी ही पानी था। वो वहां पर फौरन से रुक जाती है, लेकिन तभी नीचे से कोई क्रीपी सा हाथ आता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेता है। वो फीमेल एक्सोसिस्ट अपनी सेंसेस में आ चुकी थी तो अपने हस्बैंड से कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही वो इसी रिवर के अंदर है। अब उस लड़की की बॉडी को निकाल लिया जाता है, यानी ये मसला भी सॉल्व हुआ जो उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी। उस फीमेल एक्सोसिस्ट के पास काफी अच्छी एबिलिटीज थी। अब ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी भी वहीं पर थी। तो फीमेल एक्सोसिस्ट उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है ये पता लगाने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, और तभी उसे अपने सामने एक केव दिखाई देती है जो कि काफी डार्क थी। वो उसके अंदर जाने लगती है, उसे सारा काले जादू का सेटअप नजर आता है और वहां पर कोई औरत थी जो कि काला जादू कर रही थी, डेविड की बहन के दोस्त पर ही। फीमेल एक्सोसिस्ट उसका फेस भी देख लेती है, वो काफी अजीब थी। वो उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन इससे पहले कि वो औरत कोई जवाब देती रियल वर्ल्ड में कोई डेड बॉडी उस औरत पर यानी फीमेल एक्सोसिस्ट पर अटैक करने आ रही होती है तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि छोड़ दो उसका हाथ, नहीं इमेजिनेशन बंद कर दो, और फीमेल एक्सोसिस्ट को ऐसा करना पड़ता है। फिर उस मेल एक्सोसिस्ट को एक बुक मिलती है जो कि उनके जूनियर ने उन्हें दी थी। उसके अंदर लिखा हुआ था कि कैसे ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे हैं और उन विचेस या उन औरतों को कैसे मारा जा सकता है जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। वो एक्सोसिस्ट उनको पढ़ने लगता है, तभी उसे एक विजन आता है कि कोई गोस्ट और वही डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाले हैं। उसके हाथ में नाइफ होती है और वो वापस से उन पर अटैक करने लगता है कि तभी उसका हाथ उसका जूनियर पकड़ लेता है और कहता है कि आप अपनी वाइफ को मारने जा रहे थे,
यानी उसको जो विजन्स आ रहे थे वो डीमंस ही दिला रहे थे कि वो अपनी वाइफ को मार डाले, क्योंकि उसकी वाइफ डीमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा जो थी। अब वो फीमेल एक्सोसिस्ट उस सीनियर फादर से मिलने के लिए जाती है। वो सीनियर फादर उसे एक बुक दिखाते हैं जिसके ऊपर किसी बच्चे की पिक्चर लगी होती है। वो उसे बताते हैं कि ये एक विच है। तो वो फीमेल एक्सोसिस्ट उनसे कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं क्योंकि ये मेरी बेटी है। फिर वो फादर उसे गार में ले जाते हैं, एक केव में, जो कि वो पहले भी विजन में देख चुकी थी। और वहीं पर वो चुड़ैल भी होती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी और यही फादर की बेटी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो विच ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। ये उस फीमेल एक्सोसिस्ट के पास अच्छा मौका था, क्योंकि उसके सामने वो टेबल था जिसपे ये औरत ब्लैक मैजिक किया करती थी। ये फीमेल एक्सोसिस्ट उस टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल इतना भारी होता है कि उसे गिरा नहीं पाती। वो इतनी ही देर में वो विच आकर भी उस पर अटैक करने लगती है और वो अपनी जान बचाने लगती है। तभी उसका हस्बैंड यानी वो मेल एक्सोसिस्ट भी आ जाता है और अपनी वाइफ को फील करके उसे पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब नीचे वो फीमेल एक्सोसिस्ट काफी मुश्किल में होती है, क्योंकि वो वहाँ से भाग रही होती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतनी ही देर में उसे अपने सामने मिरर नजर आता है। वो हर तरफ खुद को देख पा रही थी और तभी वो बुरी औरत यानी विच आकर उस पर चाकू से अटैक करने लगती है। फीमेल एक्सोसिस्ट उसे पत्थर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो विच उस मेल एक्सोसिस्ट के पास जाती है उसके वाइफ के रूप में और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त काफी बीमार था, क्योंकि उसे जेल में बांधा गया था। एक बात तो ये थी कि उस पर एक मर्डर का इल्जाम था और दूसरा ये कि उसमें कोई सोल बार बार आ रही थी। उसकी बॉडी यहाँ काफी अजीब तरह मूव करने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ विच उस मेल एक्सोसिस्ट को ऑर्डर देती है कि हैमर से अपनी बीवी को मारने जाओ। मेल एक्सोसिस्ट पूरी तरह से विच के कंट्रोल में था, तो वो हैमर लेके अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें पुराना वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी बीवी से पहली बार मिले और उन्हें सब याद आ जाता है कि वो अपनी बीवी और अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। वो नॉर्मल होने लगते हैं और हैमर लेके सीधा उस टेबल की तरफ बढ़ते हैं जो कि विच की थी और जिस पर विच ब्लैक मैजिक किया करती थी। वो उस टेबल को तोड़ देते हैं जो कि आज तक कोई ना कर पाया। अब यहाँ पे वो मेल एक्सोसिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो विच भी काफी वीक होके मारी जाती है। दूसरी तरफ डेविड की बहन का दोस्त भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि वो सोल्स जो वो विच कंट्रोल कर रही थी उसकी बॉडी से निकल जाती हैं और सारा ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन काफी परेशान होती है, क्योंकि कोर्ट में ये बताया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा हो रही है, क्योंकि कोर्ट अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करती कि कोई डीमन इस तरह का काम कर सकता है। डेविड की बहन के दोस्त को जेल होने के बावजूद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उसे जेल में मिलने जाया करती थी, लेकिन बाकी केसेस सॉल्व हो चुके थे। वो सारे डीमंस जो इन लोगों की बॉडीज में आकर इनको तंग किया करते थे वो अब जा चुके थे और ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर